हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम। आज मैं आपके लिए फिजिक्स के जो हमारे ट्रिक है उसके लिए कर आया हूँ। सबसे पहला वीडियो है ये मेरा फिजिक्स का। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब मेरे वीडियो रेगुलरली आएंगे, डेली 2 से 3 वीडियो आएंगे। एक फिजिक्स का आएगा, मैथ की जो स्टार्ट ट्रिक्स चले उसका भी आएगा, और एक दो वीडियो जो ट्रिक्स के होंगे जीएस वगैरह सबके वीडियो आएंगे डेली। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मैं आपको अभी जो हमारा अगला एयरफोर्स नेवी SSR का एग्जाम होगा उसकी तैयारी पूरी अपने चैनल पर करवाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हमने फिजिक्स की आज अपनी पहली ट्रिक बनाई कि फिजिक्स को मैं आपको इस प्रकार लर्न कराऊंगा कि कभी भी भूले ना। तो सबसे पहले मैंने आपका चैप्टर लिया, दूसरा जो हमारा लूसेंट, और मैं आपकी तैयारी लूसेंट बुक से ही करा रहा हूँ। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बुक और पढ़ रहे हैं तो आप लोग उसे पढ़ते रहे अपनी कोचिंग वगैरह जहाँ भी तैयारी करें। लेकिन अगर आप लोग लूसेंट तैयार करना चाहते तो आप मेरे चैनल पर आकर पूरी लूसेंट मैं आपको इस बार तैयार करा दूंगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला आज मैंने टॉपिक लिया, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो देखिए, अदिश राशियाँ, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सारी अदिश राशियाँ याद करने के लिए बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे याद कर सकते हैं हमारी अदिश राशियाँ। उसके बाद हम लोग अगली चीज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अदिश राशियाँ। तो हमारी ट्रिक है कि जो हमारी मूल राशियाँ हैं, मूल राशियाँ मुख्यतः 5 होती है। देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। उसके बाद 2 हमारे होते हैं ज्योत, तीव्रता और आण्विक पदार्थ की मात्रा। तो आप लोग उनको छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर हमारी मूल राशियाँ 7 हो जाए, 7 में से 5 मूल राशियाँ ले लीजिए जो कि हमारी अदिश राशियाँ हैं। तो इस प्रकार आप लोग ट्रिक नंबर 1 मैंने बनाई आपके, मूल राशियाँ हमारी जितनी है वो अदिश है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है। उसके बाद हमारी जो कुछ अन्य अदिश राशियाँ हैं इनको भी आप याद कर देख लीजिएगा एक बार कि ऊर्जा, दाब, विद्युत आवेश, विशिष्ट ऊष्मा और विभव। बस इतनी ही हमारी अदिश राशियाँ हैं, 3-4 एक्स्ट्रा और, लेकिन उनको आप याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग एयरफोर्स के एग्जाम वगैरह देखें, मुख्यतः यही जो हमारी मूल राशियाँ होती है ये अदिश होती है, इनमें से ही पूछ लिया जाता है कौन सी राशि सदिश है या अदिश। बाकी हमारी सदिश राशियाँ होती है, और इनमें से 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक विद्युत धारा वाली हो गई और विद्युत आवेश। कभी कभी इन दोनों में एक लोग पूछ दिया जाता है तो आपको कन्फ्यूजन होता हो जाता है, लेकिन आपको इन दोनों को बिल्कुल याद कर लीजिए कि एक जो विद्युत धारा और विद्युत आवेश दोनों ही हमारी अदिश राशियाँ हैं। अगली जो देखिए, मैंने सदिश राशियों को आपको ट्रिक बनाई है, जो ट्रिक नंबर 2 है। सदिश राशियों को देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे। जितनी हमारी तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, ये भी सदिश राशियाँ। अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 3 की, जो हमारी विस्थापन है, कोणीय विस्थापन या सिंपली विस्थापन हो गए, वो भी सदिश राशि होते हैं। ट्रिक नंबर 4 मैंने बनाया कि जो हमारी प्रवणताएँ होती हैं, ताप प्रवणता और चाल प्रवणता, ये भी हमारी सदिश राशियाँ। ट्रिक नंबर 5 मैंने आपके लिए है जो वेग से ली है। देखिए, जो हमारे वेग होते हैं जैसे संवेग हो गया, आवेग हो गया, कोणीय वेग और वेग स्वयं भी, ये भी सदिश राशियाँ हैं। अगर अदर में आप कुछ याद कर लीजिए आप लोग कुछ वर्ड, जैसे हमारा त्वरण है, बल है, बल आघूर्ण है, धारा घनत्व, विद्युत त्वरण, अगर आपने इतने याद कर लिए तो आपको सदिश अदिश में क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसेगा। चाहे आप एयरफोर्स, NDA, नेवी, SSR, रेलवे, NTPC या पुलिस जो भी एग्जाम देंगे, आपको अगर जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको से इतने में ही पूछा जाता है और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस सिंपली इतनी चीज़ें याद कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली वीडियो आएगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो देखिए, ट्रिक हमारी क्या है, पहली मूल राशियाँ जितनी होती हैं हमारी वो सदिश राशियाँ हैं, मुख्यता वाली जो 5 मैंने ऊपर की ली हैं कि वो हमारी सदिश राशियाँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, इस प्रकार याद कर लीजिए। और 4-5 जो हमारी एक्स्ट्रा वाली, विद्युत आवेश, विशिष्ट ऊष्मा, विभव, ऊर्जा, दाब, ये इंपॉर्टेंट वाली मैंने ली है, बहुत सारी नहीं ली है, होती है बहुत सारी, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाना है वो पढ़िए। और सदिश राशियों की मैंने आपको ट्रिक बना दी, क्या तीव्रता हमारी हो गई, विस्थापन हो गई, प्रवणता, वेग, त्वरण, बस आपको सिंपल ये 4-5 चीज़ें याद कर ली, याद हो गई कि तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो, फिर चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, चुंबकीय तीव्रता, ETC, विस्थापन, कोणीय विस्थापन, विस्थापन हो, प्रवणता, ताप प्रवणता, चाल प्रवणता, ETC हो गए, वेग हो गया, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, धारा घनत्व, विद्युत ध्रुवण, बस इतनी अगर आपने याद करी तो आपको सदिश और अदिश में क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। और ये मैंने आपको लूसेंट से ही पार्ट बनाया, अगली वीडियो आपको कल फिर इसी समय पर अपलोड कर दी जाएगी। तो उस वीडियो से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।